नमस्कार प्यारे बंधुओं, कैसे हो आप सब? आपकी हालत कैसी है? मेरे ख्याल से ठीक होगी और ठीक ही रहनी चाहिए। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आई हुई है 2024 के अंदर, इसकी दो मेरिट सूची अब तक जारी हो चुकी है। तीसरी मेरिट सूची इसकी जल्द जारी होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स एक मैसेज कर रहे थे एंड अब भी कर रहे हैं कि सर, ये जो थर्ड लिस्ट आएगी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी? तो उसके ऊपर आज मैंने शानदार आपके लिए बातें रखी है। थर्ड लिस्ट के बारे में अगर आपको इंतज़ार है कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो, तो इस वीडियो को देखना चाहिए। और भी बहुत कुछ आपके काम की बातें करेंगे। वोट पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन तो दबा ही देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ GDS ग्रामीण डाक सेवक भर्ती शेड्यूल जुलाई 2024 की, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 44,228 आई है, जो बहुत ज़्यादा पद है। दोस्तों, आपको बता दूं कि थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट भी जल्द रिलीज होगा। इससे पहले जो सेकंड लिस्ट आई थी उसका सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट में 22,415 स्टूडेंट्स का नाम आया। इस सेकंड लिस्ट की मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर 3 अक्टूबर तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी कि कल और चलेगा। आपको बता दूं कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी जी भी हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, अहिंसा के खिलाफ थे। उसी प्रकार अभी से क्लासेज भी सत्यता हमारी पहचान के साथ जाना जाता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ साथियों। 3 अक्टूबर के बाद थर्ड लिस्ट का काम चालू हो जाएगा और थर्ड लिस्ट आपकी रिलीज हो जाएगी 10 अक्टूबर के आसपास। तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना जरूरी है सभी 23 सर्किल्स का। अभी दोस्तों इस बोर्ड पर मैं बताऊंगा कि 23 सर्किल्स की एक एक करके क्या कट ऑफ जाएगी, तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप वॉर हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है अलग अलग सर्किल से GDS की भर्ती आई है। महाराष्ट्र से आई हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेटों से यह भर्ती आई है। और उन सर्किलों के अंदर आपको ये भी पता है कि कितने सारे डिवीज़न है, बहुत सारे डिवीज़न है ना। अब देखिए, जैसे कि बात करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश सर्किल है। अब उत्तर प्रदेश सर्किल के अंदर कितने सारे डिवीज़न है, आपने अलग अलग डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया हुआ, किसी ने कुछ डिवीज़न से अप्लाई किया हुआ, किसी ने किसी से अप्लाई किया हुआ। उसी प्रकार बिहार के डिवीज़न है, राजस्थान के विभिन्न सारे डिवीज़न है। और ये जो कट ऑफ निकलती है GDS की साथियों, ये आपकी डिवीज़न वाइज ही निकलती है, ठीक है। जैसा कि मैं राजस्थान की बात करूँ या कोई से भी सर्किल की बात करें, तो उस सर्किल के अंदर कहीं कहीं पर तो 80% वाले का नंबर आ जाता है और कहीं कहीं पर 90% वाले का नहीं आता है, बल्कि 80% कम है। क्यों? क्योंकि उसने अदर दूसरे डिवीज़न से अप्लाई किया है, सर्किल वही है। तो ये डिवीज़न वाइज आपकी कट ऑफ निकलती है साथियों। तो यहाँ वो चीज़ संभव नहीं है बताना, बताऊँगा तो शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि किस सर्किल की कितनी वैकेंसी है, किस सर्किल की कितनी कट ऑफ है। अभी मैं बता सकता हूँ बिहार की कट ऑफ जाएगी 90% के अप्रोक्स, ये मैंने बिहार की बता दी। अभी मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जाएगी 93% के अप्रोक्स। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपने किस डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया। अरे भाई, आपने बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर तो अप्लाई किया है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे डिवीज़न है ना, तो किस डिवीज़न से कितनी कट ऑफ जाएगी ये बताना इम्पॉसिबल है बोर्ड पर। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साथियों, मैंने एक वेबसाइट डेवलप करवाई है शानदार। उस वेबसाइट में आपको सर्किल वार 23 सर्किल्स की सारे के सारे डिवीजन्स की कट ऑफ मिलेगी। उसमें क्या क्या मिलेगा वह भी बताऊं। उससे पहले सुनिए, 2023 में जो वैकेंसी आई थी शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड और स्पेशल साइकिल के नाम से, शेड्यूल फर्स्ट 40,889, शेड्यूल सेकंड 30,041 और स्पेशल ड्राइव 12,828। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर 5 लिस्ट आई थी, शेड्यूल सेकंड के अंदर 6 लिस्ट आई थी और स्पेशल साइकिल के अंदर 10 लिस्ट आई थी। अब आप बताइए मुझे कॉमेंट बॉक्स में, क्या आपको पता है कि स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी थी 2023 में जिसके अंदर 10 लिस्ट आई, क्या आपके मोबाइल में वो है? नहीं है। ढूंढोगे तो दिमाग चक्कर आ जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। इतनी सारी मेरिट लिस्ट ढूंढना बहुत ही टेढ़ी खीर है। मैं भी पिछले
काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर मेहनत कर रहा हूँ। मेरी टीम लगातार आपके लिए प्राथमिक रूप से इस चीज़ के लिए तत्पर लगी हुई है और ये सारा का सारा कंटेंट मैंने एक ही वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। कोई सी भी लिस्ट डाउनलोड करनी है, मात्र एक क्लिक करना है आपके मोबाइल में। अब तक जितनी भी GDS की भर्ती आई है, कोई सी भी भर्ती, अरे भाई कोई सी भी मेरिट लिस्ट का PDF डाउनलोड कर लो एक ही जगह पर, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं, वो भी 23 सर्किल की। और उन 23 सर्किल के अंदर क्या मामला है सुनिए। जैसा कि 23 सर्किल है, ठीक है, अब 23 सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, उन डिवीजनों की मैंने कट ऑफ बताई है एक एक करके, सारा का सारा डिवीजन। अभी बताऊं यूपी में कम से कम 50 से अधिक डिवीजन है, तो 50 की सारे के सारे डिवीजन्स की मैंने कट ऑफ बताई है। और इतना ही नहीं साथियों, उन डिवीजन्स के अंदर ऑल कट ऑफ कितनी गई है उस डिवीजन्स की, एंड BPM का पद जो है कितने परसेंटेज पर मिला है, ABPM का जो पद मिला है वो कितना परसेंटेज में मिला है, डाक सेवक का पद कितने परसेंटेज में मिला है, ये भी मैंने वहां पर परसेंटेज बताया है, ताकि आपको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर कोई भी सर्किल के अंदर किस डिविजन्स के अंदर BPM का पद कितने पर मिला, ओवरऑल कट ऑफ क्या गया, ABPM, डाक सेवक, सब कुछ मिलेगा साथियों। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, यहां मैंने EWS, अनरिजर्व, OBC, SC, ST, PWD की कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताई है। इस तरीके से आप यहां ये देखोगे कि यहां तो मैंने डिवीजन्स का नाम दिया है, इस डिवीजन्स के अंदर EWS की कितनी कट ऑफ गई है, UR की कितनी गई है, OBC की कितनी गई है, SC की कितनी गई है, ST, PWD, इधर मैंने ऑल रख दिया है, ठीक है, कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है उस डिवीजन्स के अंदर। शानदार चीज है दोस्तों, बस आपको देखना बाकी है। अदर GDS के रिलेटेड सारी की सारी ऑल इन्फॉर्मेशन है, GDS की जॉब प्रोफाइल, BPM क्या होता है, ABPM डाक सेवक क्या काम करते हैं, सैलरी क्या रहती है, एंड जो नोटिफिकेशन आया हुआ है GDS का अब तक का, वो सारा का सारा PDF मिलेगा। जो भी आपको GDS के रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे के सारे फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, एफिडेविट, करेक्ट, सारा का सारा फॉर्म वहां मिलेगा। एंड साथियों, मैं समझता हूं इंडिया की नंबर 1 GDS वेबसाइट है, abhishekclasses.com सर्च करो आज ही और निकाल लो आपके मोबाइल में abhishekclasses.com, और इसको अपने मोबाइल में सेव करके रखना, जिंदगी बन जाएगी साथियों। मैं कहता हूं पहले देखें और फिर विश्वास करें, पहले देखो, वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास, उसी प्रकार मैं कहता हूं पहले हमारी इस वेबसाइट को देखें आप लोग, फिर विश्वास करना। एक बार आपने वेबसाइट ओपन कर ली, गलती से भी कर ली मान ली जाए, तो साथियों मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं सत्यता के साथ चलता हूं, आप एक बार जरूर कमेंट करने पर विवश हो जाओगे कि वास्तव में सर आपने जिंदगी बना दी, हमें हलवा परोस दिया है, हलवा, वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती का सारा हलवा, वो भी देसी घी के साथ। मैंने देसी घी के साथ सारा का सारा कंटेंट GDS का निचोड़ दिया है साथियों। पिछले एक वर्ष से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ हूँ। कल ही मैंने शाम को इस बारे में आपको सरप्राइज के तौर पर वो बातें रखी, लेकिन कल वो बता दी, ठीक है। अब आप वेबसाइट पर विजिट करें और अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें, किस सर्किल, किस डिवीजन, कौन सी कैटेगरी है, सब कुछ, थर्ड लिस्ट की क्या जाएगी, पिछली सेकंड लिस्ट की क्या गई थी कट ऑफ, फर्स्ट लिस्ट की क्या गई थी, पिछली प्रीवियस ईयर वैकेंसी की किस लिस्ट की कितनी कट ऑफ गई थी, सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा। मुंह से कहने मर तो लगेगा सर आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, आप अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हो, बिल्कुल बड़ा साबित नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए ही ये काम किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये भर्ती बिना परीक्षा है, 10वीं पास भर्ती है, और मैं कहता हूं अब से पहले चैलेंज करके किसी ने ये वेबसाइट डेवलप नहीं करवाई होगी, इस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवाया होगा। अब के बाद अगर इस प्रकार की कोई भी कंटेंट आपको मिलता है, तो मैं कहता हूं चैलेंज करके, दावा करके, कि वो अभी से क्लासेस के कंटेंट से चुराई हुई ही चीज है, ठीक है। अब कोई भी चाहे बनाओ, कोई भी कुछ करो, लेकिन अभी से क्लासेस सत्यता के साथ हर चीज को वहां पर आपके साथ प्रोवाइड करवाए, कोई भी फेक जानकारी नहीं है, एकदम ऑथेंटिक, रियल, ऑफिशियली। और कहीं ना कहीं दो साथियों, अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वेबसाइट पर विजिट करो, अपने मोबाइल में सेव करके रखो। बहुत सारा ट्रैफिक आ चुका है, कल मैंने जैसे ही पब्लिक की वेबसाइट, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, इसलिए कुछ फोल्डर्स में जो है यहां पर वो फोल्डर्स ऑटोमेटिक हट गए हैं, इसलिए उन पर काम चल रहा है। आप ये मत सोचना कि सर ने कहा था बहुत सारी चीजें हैं, वो देख क्यों नहीं, वो शो नहीं हो रही,
क्योंकि ट्रैफिक आ चुका है, उन पर हमारी टीम पूरी तरीके से लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है। जल्द उस वेबसाइट पर पूर्ण रूप से 100% काम हो जाएगा। आप सब्र रखना, कुछ चीज़ें वहाँ पर अपलोड ऑलरेडी है, ट्रैफिक आ जाता है, इसलिए वेबसाइट में कुछ कमियाँ हो जाती है। ठीक है साथियों, तो कहीं ना कहीं साथियों आप इस चीज़ को ग्रहण करो, ये ग्रहण करने लायक ही चीज़ है, क्योंकि आपका साथी अभिषेक जगरवाड़ आपके लिए इतनी मेहनत किया है साथियों, वो मुझे पता है, जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। ठीक है, रात दिन जाग जाग कर मैंने ये काम करवाया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पर नज़र रखी है कि कहीं गलती ना हो जाए, कोई बच्चों को गलत जानकारी ना मिल जाए। ठीक है, अब बस आपका काम है, प्यार बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।